बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहन भाई कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जितने बहन भाई इस मुल्क में हैं और इस मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और जो बहन भाई मुश्किल में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करे। तो आज जो है आप मेरे शोर के लिए भी दुआ करें। कल उन्होंने कहा था कि मेरे लिए खीर बनाना है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी दुआ करें। आज मैं उनके लिए खीर नहीं बना रही। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिस बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें और मेरे चैनल का साथ दें ताकि मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ूँ। और आज जो मैं बना रही हूँ गोश्त, तो आपको मैं किचन में चलती हूँ, अब दिखाती हूँ मैं गोश्त बना रही हूँ। आज जो गोश्त मैंने और तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि आज उबाइल करके मसाला भून के बनाऊंगी। आज जो है मैं गोश्त उबाइल करने के लिए रख दिया है, उबल जाएगा तो मसाला बना के फिर मैं भूनूंगी। गोश्त को उबाइल करने के लिए रख दिया है तो मसाला देखिए सबसे पहले शुरू कर रही हूँ प्याज। ये देखिए प्याज डाल रही हूँ। ये देखिए प्याज डाल दिए। प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसके बाद फिर लहसुन डालूंगी। प्याज जो है ब्राउन करने के लिए रख दिए मैंने, तो मैंने कहा थोड़े से बर्तन है वो भी साफ कर धो लो। वैसे भी सारा दिन जो किचन का काम है वो खत्म नहीं होता, बर्तन कभी कुछ कभी कुछ, सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता। बर्तन जो है वो धो लिए हैं, अभी तक क्या प्लान नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आज हमें सालन बना रही हैं और इसकी वीडियो बना रही इसकी वीडियो बन रही है, मतलब सालन की। तो मैंने कहा है आप सीख लें। गाइस ये देखें मट्टी के बर्तन, अम्मी को बहुत शौक है इन बर्तनों का। और इसमें ये गिलास है मट्टी का, इसमें पानी ठंडा रहता है, ये मतलब गर्मियों के लिए सही होते हैं, गर्मियों में इसमें मतलब पानी पी ले। तो मैंने इनसे कहा है बेटियों से, मैंने कहा खाना सीख ले, बेटियों का तो नसीब जो है वो अल्लाह ताला की से ही पता है, सब बेटियां तो हर किसी की प्यारी होती हैं। मैंने कहा खाना बनाना सीख लो, और मुझे कोई शौक नहीं है। माँ बाप जो है वो बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आजकल के जितने माँ बाप हैं बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं। बेटी का जो नसीब होता है वो बक्से में बंद होता है, जब बेटी की शादी हो जाती है तभी सब हर किसी के माँ बाप को पता चलता है। दुनिया की माँ बाप जो है बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करता, दुनिया की हर चीज दे सकता है लेकिन बेटियों का नसीब नहीं। मैंने इनसे कहा आप खाना बनाना भी सीख लें और आप पढ़ाई भी मुकम्मल कर लें, आगे पता नहीं क्या होगा। तो यही मैंने कहा हर किसी का बेटी बेटी का देखे प्याज लाल हो चुके हैं, हम लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन वो लाल हो जाएगा तो इसके बाद टमाटर डालेंगे। खड़ी का सालन जो होता है बहुत ही मजेदार होता है। लहसुन के बाद फिर क्या क्या है जी टमाटर, देखिए टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा टमाटरों को भून लूंगी ना तो फिर इसके बाद फिर मसाले डालूंगी।
पानी पी लो, ठंडा हुआ है। अब मसाला भून चुका है, अब मैं गोश्त डाल रही हूँ। क्योंकि भून के फिर इसे उतार लूंगी ना, गोश्त जो है पहले से उबला होगा, गला होगा। ये भून जाएगा, भून के उतार लूंगी। मसाला तैयार हो चुका है, अब देखें तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप इजाज़त चाहती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।